नमस्कार दोस्तों, नॉलेज आईक्यू टीवी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, टू डे बैंक स्ट्राइक आज चल रहा है, पहला दिन चल रहा है, 28 कल भी 29 में भी बैंक स्ट्राइक है। AIBA और सारे वर्किंग यूनियन बता रहे हैं ये बैंक स्ट्राइक 100% सक्सेसफुल हुआ है। क्या गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन का जो इशू है उसको सॉल्व कर दिया है? क्या पेंशन अपडेशन हो चुका है? क्या NPS स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है? क्या 5 डेज बैंकिंग सॉल्व हो गया है? नहीं सॉल्व हुआ है। तो क्यों जो जितने सारे वर्किंग यूनियन खास करके AIBA UABU बता रहे हैं ये स्ट्राइक 100% सक्सेसफुल हुआ है? दोस्तों, इस स्ट्राइक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ है कस्टमर्स को और वर्किंग एम्प्लॉयज़ को। एक तो सैलरी माइनस हुआ वर्किंग एम्प्लॉयज़ का, उसके साथ साथ सारे ATM बंद था, बैंक भी बंद था। तो जिस को कैश का रिक्वायरमेंट था उन लोगों को क्या होगा? दोस्तों, आज ऑल इंडिया में जो बैंक स्ट्राइक हुआ है बता रहे 100% सक्सेसफुल हुआ, लेकिन मेरा ओपिनियन है खुद का सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर सक्सेसफुल होता तो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन इशू, पेंशन इशू, अदर्स जितने सारे इश्यूज है, वर्किंग एम्प्लॉयज़ का इशू, रिटायर्डिस का इशू, प्राइवेटाइजेशन का इशू, सर्विस एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज का इशू, सब कुछ सॉल्व हो जाता। लेकिन अभी तक वो जैसे कि तैसे ही पेंडिंग है। तो प्रेजेंट सिचुएशन है पेंडिंग, तो क्यों बता रहे सक्सेसफुल हो गया, इसके बारे में आपका क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और जुड़े रहिए नॉलेज आईक्यू टीवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।